दोस्तों, आज मैं YouTube के एक बड़े अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपके चैनल पे व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से व्यूज डाउन हो रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों से आपके चैनल पे व्यूज डाउन हो रहे हैं और सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, साथ में आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा। तो ये यूट्यूब का एक बहुत ही बड़ा अपडेट हो रहा है, जिसकी वजह से व्यूज डाउन हो रहे हैं। तो चलिए हम आपको उसके बारे में बताते हैं कि ये व्यूज डाउन क्यों हो रहा है, सब्सक्राइबर क्यों कम हो रहे हैं और चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, अभी तक आप लोग जब भी वीडियो अपलोड करते थे तो वो वीडियो हर किसी को दिखाया जाता था, हर किसी के क्रिएटर के पास वो वीडियो भेजी जाती थी, उसका रीच ज्यादा भेजा जाता था, जिस वजह से आपके चैनल पे व्यूज ज्यादा आते थे, सब्सक्राइबर्स आते थे और साथ में आपका चैनल ग्रो करता था, अर्निंग बढ़ती थी। लेकिन यूट्यूब अब ये पॉलिसी चेंज कर दी गई है, क्योंकि YouTube ने अब एक गाइडलाइन बनाया है कि जिस तरह के जिस क्रिएटर का जैसा चैनल है, अब उसमें उसी तरह की वीडियो भेजे जा रही है। जैसे आपका टेक्निकल से है तो आपके पास टेक्निकल की वीडियो भेजी जा रही है, ब्लॉगिंग का है तो ब्लॉगिंग में भेजी जा रही है, एजुकेशन का है तो एजुकेशन में भेजी जा रही है। इस वजह से आपके चैनल पे भी कुछ व्यूज डाउन हो रहे हैं, सब्सक्राइबर डाउन हो रहे हैं। अगर आपका क्रिएटर का चैनल है तो आपको क्रिएटर की वीडियो दिखाई जाएगी, अगर आपको दूसरी वीडियोस देखनी है तो आपको सर्च करना पड़ेगा। पहले आप वीडियो अपलोड करते थे तो वीडियो अपलोड करते ही वो वीडियो हर किसी को, हर प्रकार के व्यक्ति को दिखाई जाती थी, नोटिफिकेशन दिया जाता था, ब्राउजर फीचर दिया जाता था, जिसकी वजह से आपके चैनल पे व्यूज बढ़ते थे, सब्सक्राइबर बढ़ते थे और अर्निंग अच्छी होती थी। लेकिन यूट्यूब के इस बैड अपडेट की वजह से अब आप लोगों को केवल उसी वीडियो दिखाई जाती है जिससे रिलेटेड जो आपकी क्रिएटिव चैनल है। दूसरी बात, अभी यूट्यूब ने क्रिएटर इनसाइडर चैनल पर एक अपडेट देके, नोटिफिकेशन देके बताया है कि यूट्यूब अब पूरी तरह से स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टीवी पर यूट्यूब शिफ्ट हो रहा है। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शिफ्टिंग तो चलिए अच्छी बात है, आपके वीडियोज को टीवी पे देखा जाएगा तो उससे आपकी अर्निंग और बढ़ेगी, लेकिन बैड बात यह है कि जिनके वीडियो की क्वालिटी 2K, 4K या 8K से ऊपर होगी, 2K से ऊपर जिनके वीडियो की क्वालिटी होगी उन्हीं की वीडियो दिखाया जाएगा, उससे नीचे की क्वालिटी होगी तो उन पे व्यूज कम आएंगे, क्योंकि वो स्मार्ट टीवी पर वो वीडियो नहीं दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, जिनके मोबाइल, जो मोबाइल पे चैनल बनाए हैं, जो मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, उनके मोबाइल के कैमरे इतने अच्छे नहीं होते हैं कि 2K वीडियो बन सके। 2K वीडियो या 4K या 8K वीडियो बनाने के लिए कैमरे की जरूरत होती है, क्योंकि मोबाइल के कैमरे में ज्यादा से ज्यादा 1080 या 1000 FPS तक का ही वीडियो बनता है, वो भी वीडियो बनते समय क्वालिटी लो हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 600, 700, 800 MB की ही वीडियो बन पाती है। तो ये एक प्रकार से बैड अपडेट है, जिसकी वजह से आप लोगों के चैनल पे व्यूज कम आ रहे हैं और अर्निंग कम हो पा रही है, चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ये एक प्रकार से YouTube की तरफ से बैड अपडेट है, क्योंकि जिनके पास कैमरे नहीं है, जिसके पास DSLR कैमरा नहीं है, जिसके पास अच्छी एडिट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छे एप्स नहीं यूज कर पा रहे हैं, उनके लिए ये बैड अपडेट है, क्योंकि वो इस प्रकार की वीडियो नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास कैमरे नहीं है, वो केवल मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, तो इस प्रकार के लोगों के लिए, इस प्रकार के क्रिएटर के लिए ये बहुत ही बैड अपडेट है। तो ये यूट्यूब की बैड अपडेट था, जिसकी जानकारी हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिया। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।